नमस्कार दोस्तों, स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा जो आपका CRPF, ASI और जो हेड कांस्टेबल की अलग अलग वैकेंसी आ रखी है 2021 के अंदर, जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, ये वीडियो नंबर हमारा 3 है। इसके अंदर आज हम रीजनिंग के टॉप क्वेश्चंस करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको 15 प्रैक्टिस सेट चाहिए, जो आपका फर्स्ट पेपर होता है, जो आपके 50 नंबर का एक पैट्स होता है, जिसके अंदर रीजनिंग है, GK है, मैथ है और हिंदी और इंग्लिश है, ये हमारी टीम ने एक प्रैक्टिस सेट तैयार की है। 15 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसके अंदर आप डेमो दे सकते हैं। डेमो आपके अंदर फ्री डेमो है। पहले डेमो दीजिए, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट आप परचेज कर सकते हो। और दोस्तों, बिल्कुल जो इजी वे और 100% जो आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, वही बताए गए हैं और जो टॉपिक्स के आधार पर। तो ये पेपर सेट अगर आपको चाहिए तो हमारे स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल रहे हैं। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे, यानी 94 61 041 363 पे मैसेज कर दीजिए और एक इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए, तो उसका जो हमारा एप्लीकेशन है उसका लिंक हम दे देंगे। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के अंदर बहुत बार पूछे जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी और है कि क्वेश्चन है, टंगस्टन का फिलामेंट, कहने का मतलब है टंगस्टन के लिए उपयोग में फिलामेंट का उपयोग होता है तो सोने का क्या बनता है। तो दोस्तों, सोने का बनता है आभूषण, बनता है क्या बनता है, आभूषण बनता है। अगला देखिए, यदि किसी संकेत भाषा में TEN को UGQ लिखते हैं तो रात RAT को क्या लिखते हैं। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले TEN, इसका कोड 20 है, इसका कोड 5 है, इसका कोड 14 है। अब देखिए इसका उत्तर क्या है, UGQ, यानी इसका जो कोड क्या है, इसका कोड 21, इसका कोड 7 और इसका कोड कितना है, 17। अब प्रश्न कह रहा क्या है, अब इन दोनों में कितने का अंतर है, एक का अंतर है, इन दोनों में 2 का अंतर, इन दोनों में 3 का अंतर। अब देखिए R A T, अब दोस्तों R की संख्या कितनी है, 18, इसकी संख्या 1 और T की संख्या 20। सबसे पहले कितना प्लस करा, 1, तो हम R के बाद में क्या आएगा, 18 के 19 और 19 में आपका क्या है दोस्तों, S आएगा, क्या आएगा, S। अब प्लस यहाँ कितने करेंगे, 2, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 कितने हो रहे, 3, तो 3 पे क्या आएगा, C आएगा। 20 प्लस 3 कितने हो रहे, 23 और 23 पे क्या आएगा दोस्तों, W। तो इसका बनेगा क्या, SCW, जो ऑप्शन नंबर आपका C है ये बनेगा। दोस्तों, समझने वाली चीज है, समझ में आनी चाहिए, नहीं आए तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सएप कर लीजिए। और प्रैक्टिस सेट दोस्तों कीजिए, बहुत मजा आएगा। और प्रैक्टिस सेट से आपकी जो प्रश्न है वो सॉल्यूशन गलत कितने हो रहे, सब कुछ इसमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 4, 7, 12, 19, 28 क्या करना, इन दोनों का अंतर +3 +5 +7 +9 +11, 28 + 11, यस राइट आंसर 39। क्या हो गया, 39 प्लस करना है, कोई दिक्कत वाली समस्या नहीं है, इजी प्रश्न है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, एक ही बड़े अक्षरों के अंदर एक मीनिंग दे रखी है, शब्द का पहला अक्षर 15वें अक्षर से। अब कहता क्या प्रश्न कि पहले अक्षर को 15वां, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये जो आपको दे रखे ना, ये सभी कितने हैं, 15 है, पहले को 15। तो दोस्तों पहले पे क्या आएगा, पहले पे आपका आएगा N, दूसरे को 14वां, यहां क्या आएगा O। इसी प्रकार को बदल दिया जाए
यानी आपको सभी संख्या बदलनी, करना क्या उल्टा लिख लीजिए, आई टी ए जेड आई टी ए आर सी ओ एम ई डी, ये पूरा लिख दिया। अब पूछा क्या है पूरा लिखने का, तो पूरा लिख दिया। अब अगला आगे क्या कह रहा है देखिए, तथा आठवें अक्षर को यथा बरकरार रखें। अब देखिए दोस्तों प्रश्न सवाल क्या कह रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ पे क्या है आपका, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोस्तों यहां पर देखिए आपको थोड़ा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को देखिए हमने क्या क्या पूरा चेंज किया है, लेकिन इसमें पूछा है आठ अक्षर तक, तो आठ अक्षर कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आठ अक्षर कौन सा है, यस हो गया। अब देखिए आठों अक्षर को बराबर रखना है, क्या रखना है बराबर रखना है, तो आप आगे क्या क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर बाएं से बारहवां अक्षर है, और बाएं से बारह और बाएं से पांचवा, दोस्तों हमेशा बाएं और बाएं आपसे पूछे तो दोस्तों दोनों को क्या कर लेना माइनस कर लेना, तो 12 में से 5 के कितने बचे 7, कितने बचे 7। अब बाएं से 7 1 2 3 4 5 6 7 पे क्या आएगा आई, तो राइट आंसर इज आई, क्या आएगा आई, 7 पे क्या आएगा आई, समझ में आ गया, यस। चलिए देख लेते नेक्स्ट, स्पष्ट होता है महसूस करना, यानी अभी किसी वस्तु को हाथ लगाते हैं टच करते हैं तो स्पष्ट होता है, अभिवादन किसी का हम अभिवादन करते हैं तो क्या उनका क्या करेंगे, यस ये नहीं होगा ये भी नहीं होगा, शिष्टाचार करेंगे उसका आवादर करेंगे, शिष्टाचार होगा, क्या होगा शिष्टाचार, आपका राइट आंसर है इसके अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूची में इधर लिखा हुआ टी एच ए टी कितनी बार है कंटिन्यू, देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले यस एक बार, देखिए टी एच ये देखिए ये अब देखिए वापस टी एच देखिए टी एच ये देखिए टी एच देखिए यहां पर टी एच देखिए यहां पर लिखा है टी एच लेकिन इसमें देखिए प्रश्न को देखिए वापस देखिए टी एच ए देखिए पहले क्या है, ये अब टी है आई है दोस्तों, लिखा क्या है टी लिखा हुआ, ये क्या है टी आई, तो हमने देख लिया बिल्कुल टी आई की बात कर रहे हैं ना, यस कितनी बार होगा मैंने अभी आपको बताया, देखिए टी वन टू थ्री फोर, मैंने कब बताया क्या फोर, समझ में आ गया, नहीं आया ना तो पूछ लेना वापस। देखिए यदि किसी संकेत भाषा के अंदर होनेस्टी को इतना लिखे तो इसे क्या लिखे दोस्तों, इस संख्या और इस संख्या में क्या अंतर है, कुछ नहीं है, इधर का उधर अक्षर फेंका गया है, जीरो का मतलब क्या 1 2 3 1 2 3, जीरो का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा एन, चार देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ई आ गया, क्या आ गया ई आ गया, तो ये तो कट गया ये कट गया। अब यहाँ पर देखना है थर्ड नंबर दो पे क्या आ रहा है एच, दो पे क्या आ रहा है एच, अब देख लीजिए पांच पे क्या आ रहा है 1 2 3 1 2 3 एस आ रहा है, यस तीन पे क्या आ रहा है तीन पे वापस देखिए ओ आ रहा है, सिक्स पे क्या आ रहा है वाई आ रहा है, ए की क्या आ रहा है टी, राइट आंसर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक शब्द लिखा हुआ उसका मतलब ये होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इस प्रश्न को उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है, मुझे कुछ नहीं करना, जो ये मैंने बताया ना ये सेम क्वेश्चन है, इसमें पहले ये अंक दे रखे थे और अब की बार वापस क्या दे दिए अक्षर दे रखे, तो प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए दोस्तों। चलिए देखिए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को ज्ञात करो जिसके नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों के द्वारा लिखा जाता है,
जैसे लिखा है हमने न्यूज पेपर, क्या लिखा है दोस्तों, न्यूज पेपर। अब न्यूज पेपर का मतलब क्या है, न्यूज पेपर का मतलब क्या है, न्यूज WASP, यस, जो लिखा गया शब्द, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यानी इन चारों में से एक शब्द ही बनता है और इसे हम क्या कहते हैं, मूल शब्द बना, क्या बना, मूल शब्द बनाइए, WASP, यस। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, डी को एफ लिख रहा है, एम को एन लिख रहा है, टी को एस लिख रहा है, ई एक छोड़ रहा है, एच के बाद आई जी आ जाएगा, ठीक, एम के बाद में एन, तो आर के बाद में आर, आर के बाद में एस, टी, टी के बाद, देखिए टी के बाद में क्या आना चाहिए, लेकिन माइनस एक हो रहा है, एस टी, तो जे, जे से पहले क्या आएगा, आई, तो देखिए जे एस आई, ये किसके अंदर है, जे एस आई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया, हर चीज समझनी बहुत जरूरी होती है। देखिए कंगारू का होता है ऑस्ट्रेलिया, यानी जो देश है, देश के अंदर सबसे ज्यादा कंगारू कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। और जिराफ कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा जिराफ पाए जाते हैं। दोस्तों CRPF जो आपका कांस्टेबल वाला है, एडमिट कार्ड सभी के आ चुके हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सभी के एडमिट कार्ड आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है हमारी टीम के द्वारा, CRPF का जो पेपर सेट हम अवेलेबल करवा रहे हैं, 15 पेपर सेट, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट्स करें और व्हाट्सएप करें। थैंक यू, धन्यवाद।